हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइनर फरहीन। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इस ट्यूलिप सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस सलवार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है एंड यहाँ पे 3 मीटर लेस ली है जो कि मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। सो सबसे पहले मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है लेंथ वाइज इस तरह से। तो अब हमें इसे जैसा हमारा आइसक्रीम कोन होता है उसी की तरह हमें इसको फोल्ड करना है, इस तरह से जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से। इधर से हमें थोड़ा सा ही फोल्ड करना है और इस साइड से हमें थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें अपनी तरफ ले आना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 4 इंच का गैप छोड़ दिया है, आपको भी इसी तरीके से छोड़ना है 4 इंच पर। और अब हमें सलवार के लिए लेंथ लेनी है 37 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 37 इंच पर निशान लगाया एंड यहाँ पे मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी क्रॉच के लिए। और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेटली मिला देना है। और अब हमें क्रॉच लेंथ के लिए निशान लेनी है 12 इंच और हमें आगे को भी 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इन सारे पॉइंट्स को हमें स्ट्रेटली मिला देना है। और अब हमें हल्की सी गुलाई दे देनी है और अब हमें नीचे 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। और अब वापस हमें इंची टेप को नीचे से रखना है और पूरे सर्कुलर एंगल में हमें निशान लगाते जाना है 37 इंच पे। जितने भी आपने अपनी सलवार की लेंथ ली है उतने पे ही हमें निशान लगाते जाना है इस तरह से। मैंने 37 लिया है तो मैं 37 इंच पर निशान लगाऊँगी पूरे में आगे तक। तो अब इन सारे पॉइंट्स को हमें मिला देना है और अब इन सारे मार्किंग के ऊपर रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे हमने मार्किंग करी है उसी तरह हमें इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो ऊपर से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए कट करना है। एंड गाइस, कटिंग यहाँ पे हो गई है। तो अब हमें इसको नीचे से खोलना है और पूरे फैब्रिक को हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है इस तरह से। तो अब हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है ऊपर तक और हमें डॉट डॉट करते हुए हल्की सी गुलाई दे देनी है, हल्की सी। और अब इसकी कटिंग कर देंगे और अब वापस इसको खोलते हुए रखना है। तो इसकी जो ये फोल्डेड साइड है इसको भी हमें कट कर लेना है इस साइड से ताकि हमारे दोनों पीस अलग अलग हो जाए। तो अब ये क्रॉच हमें दोनों फैब्रिक को ऐसे ही रखते हुए पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है और इसकी जो साइड रहेगी उसको भी हमें डबल फोल्ड करना है एंड स्टिचिंग लगा देनी है पूरे में चारों तरफ। और इसकी जो दूसरा पार्ट है उसको भी हमें इसी तरीके से रखना है और स्टिचिंग लगा देनी है पूरे में, हमें इधर तक स्टिचिंग लगा देनी है सारे में ही। तो इस तरह से हमें हल्का हल्का फोल्ड करना है एंड स्टिचिंग लगाते जाना है जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा फोल्ड करेंगे। और गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर स्टिचिंग मैंने लगा दी है, यहाँ पर क्रॉच भी स्टिच हो गया है एंड साइड्स को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें लेस को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेस ले ली है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी। अब इसको हमें ऊपर से रखना है और नीचे ले जाना है पूरे में। इसकी जो ऊपर वाली साइड है उसमें हमें ऊपर से ही लगाना है, बट जो इसकी नीचे वाली साइड है उसमें हमें पूरा नहीं लगाना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा ही लगाना है जहाँ तक हमारी मोहरी खुली रहेगी उससे थोड़ा सा ऊपर तक। तो यहाँ तक मैं इसको पूरे में स्टिच कर लूँगी पूरे में ऊपर तक और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे लेस को इस तरीके से स्टिच कर लेना है पूरे को। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है, नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे 10 इंच पे लगाई है नीचे साइड लेस को। अब हमें वापस इसी तरीके से इसको रखना है।
तो गाइज मैंने इस साइड से 5 इंच पे छोड़ते हुए इसको रखा है फैब्रिक को, और नीचे से मैंने 8 इंच पे निशान लगाना है मोहरी के लिए, जितनी हमारी मोहरी खुली रहेगी। और दूसरी साइड भी हमें सेम करना है। और अब दोनों फ्रंट पार्ट को पकड़ना है हमें इस तरीके से, बैक पार्ट को छोड़ देना है, और पूरे को पकड़ते हुए हमें स्टिचिंग लगा देनी है पूरे में नीचे तक जहाँ तक हमने निशान लगाया है। और हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेस को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके से आएगा। दोनों ही साइड मैंने लेस को अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हमारी मोहरी इतनी खुली रहेगी। और दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से कर लिया है। और अब हमें इसमें प्लेट्स बनानी है, तो इस तरीके से हमें इसमें थोड़ी सी प्लेट्स बनानी है, जितनी हमारी फ्रंट में आएगी उतनी हमें बैक में बनानी है। प्लेट्स का डायरेक्शन किसी भी साइड होगा, इसका कोई इशू नहीं होता। तो हमने यहाँ पे सारी ही प्लेट्स को बना लिया है, पीछे भी और आगे भी हमारी 4-4 आई है। और मैंने बेल्ट को भी अटैच कर लिया है पहले ही। बेल्ट की जो विड्थ है वो 5 इंच रखी है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक को भी ले लिया है जिसकी लेंथ 24 इंच है। अब हमें इलास्टिक को इसके अंदर रखते हुए पूरे को स्टिच कर देना है पूरे को। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है, इलास्टिक को अटैच कर लिया है। और यहाँ पे इसको खींचते हुए बीच में भी एक स्टिचिंग मार दिया मैंने। इसी के साथ हमारी ट्यूलिप सलवार बनकर रेडी हो गई है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।